गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज है 1 नवंबर 2020 और आज की सारी अपडेट हम आपको फटाक से 2 मिनटों के अंदर देने वाले हैं। जी हां, और आज हम बताएंगे किस वैकेंसी का क्या हो रहा है, किसका एडमिट कार्ड आया है या आर्मी का एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुका है, जिन बच्चों की 1 नवंबर की डेट आई थी, ठीक है। और चलिए, और अन्य भी जानकारी आपको देंगे जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो फटाक से देख लेते हैं, ऑफिसर एंट्री वालों के लिए कुछ नया है या नहीं है, उसके बाद JCO वालों के लिए देखेंगे और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताएंगे। ऑफिसर एंट्री में फिलहाल में 4 वैकेंसियां जस की तस वैसे ही चल रही हैं जो टेक्निकल एंट्री थी, ठीक है। मैन वुमेन के लिए जो आई हैं वो वैसे ही चल रही हैं। उसके बाद JCO रैंक में आप देख लेंगे जो वैकेंसियां 3 राज्य में चल रही थी, केरला, राजस्थान और आपका हरियाणा, उनमें वैसे की वैसे ही चल रही हैं, ठीक है अभी। उसके बाद देख लेते हैं आपका कोई नया नोटिफिकेशन आया है कि नहीं है। तो ये कह रहा है उदयपुर केरला की जो नई तारीख है वो नहीं आएगी, जो 8 से 18 जनवरी थी वो कैंसिल हो गई है, जो 8 जनवरी से 18 जनवरी थी वो कैंसिल हो गई है केरला की, ठीक है, उसकी नई तारीख आएगी। उसके बाद केरला मेडिकल का जो प्रोसेस है उसे थोड़ा बदलाव किया गया है, ठीक है, उसकी वीडियो आपको जल्दी अगले वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं ARO दिल्ली कैंट की भी नई डेट आएगी, ठीक है, इसकी भी नई डेट आएगी। उसके बाद कह रहे हैं रियालो रिक्वायरमेंट रैली एट ARO रंगापुर ये स्टैंड स्टेडियम, इसकी भी नई डेट आने वाली है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे भी ये इसकी भी नई डेट आने वाली है, मतलब आपकी जो भी नई डेट रिलीज होने वाली है आर्मी के जनरल MM नरवन द्वारा जो नई डेट रिलीज होने वाली है वो डेट सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। उसके लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, फटाक से उसको दबा लीजिए, बगल में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर जानकारी मिलती रहे आपको। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात एक और आपको बता देता हूँ लास्ट में जो खास है, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट रैली पे मैंने क्लिक कर दिया है, उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी सर्टन पे क्लिक करना है और आपको चेक करना है कि आप योग्य हैं या नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको अपना चेक करना है, फिजिकली रूप से आप सही हो कि नहीं हो ये देख लेना है आपको, ठीक है। तो फिजिकल क्राइटेरिया पे देख लेते हैं, फिजिकल क्राइटेरिया पे आप लोग को देखना है सिर्फ कि आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है और आप किस पोस्ट के लिए आर्मी में योग्य हो, ठीक है। तो आपके सामने मैंने कुछ पेस्ट कर दिया है, एज पेस्ट किया है और आपका यहाँ पे हाइट है, ठीक है। तो सोल्जर ट्रेडमैन जनरल ड्यूटी ट्रेडमैन यहाँ पे 1.63, 1.63, 1.63, यहाँ पे 77 सेंटीमीटर हाइट। उसके बाद यहाँ पे पंजाब पेंस रिलेशन या ईस्टर्न पेंस रिलेशन या सेंट्रल पेंस रिलेशन या साउथर्न रिलीजन, अगर यहाँ की आप भर्ती देखते हैं तो इतनी सारी आपको छूट मिल जाती है। साथ में आपको लड़ाकी हैं या कोई गोरखा से है तो आपको इतनी छूट मिलती है, 157 हाइट होनी चाहिए। लोकल से हैं या ट्रिम्बल कास्ट से हैं तो इतनी सारी छूट मिल जाती है। अन्य कास्ट में आते हैं तो क्या आपकी हाइट लगती है, हवलदार में क्या होता है, JCO कैटरिंग में क्या होता है, मतलब ये सारी अलग अलग अन्य पोस्टें हैं जो आती रहती हैं साल में एक बार JCO के अंतर्गत, और लड़कों को कितना को मालूम भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो अगली बार आपको सारी जानकारी दे दूंगा इनके लिए भी, ठीक है, अच्छी तरह से बता दूंगा कि JCO रैंक में मतलब JCO में कितनी वैकेंसी लड़के लड़कियों के लिए आती रहती है जिन्हें मालूम भी नहीं है, 25 साल तक 27 साल तक वो लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से अच्छी अपडेट आप लोग के सामने आज लेके आएंगे। और आज किसी भी का एडमिट कार्ड नहीं आया था और ना ही किसी रैली कराने का आज डेट आया था।